कॉकलियर इम्प्लांट कराने वाले मुखबधिर बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम पैटलीगंज स्थित राजदीप ईएनटी हॉस्पिटल में किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर वाईसी यादव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश यादव सहित शहर के अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सक और योजना का लाभ उठाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कॉकलियर कराने वाले बच्चों से बात की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुदरती तौर पर जन्मजात मुखबधिर दिव्यांग बच्चों को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय तथा राज्य के सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मदद से नव जीवन मिला है। कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए अब ये बच्चे न केवल सुन बोल सकेंगे बल्कि सामान्य बच्चों सा जीवन जीते हुए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजदीप ईएनटी हॉस्पिटल में इन बच्चों को देखकर काफी प्रसन्न नजर आए। इस दौरान कॉकलियर इम्प्लांट कराने के बाद बोलने में सक्षम हुई बच्ची अंशिका जायसवाल ने जब अपने नवजीवन को लेकर भावनाओं को शब्दों का रूप देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया तो योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलार किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र व प्रदेश सरकार की मदद से कॉकलियर इम्प्लांट करने वाले राजदीप अस्पताल के डॉक्टर राजेश यादव की मुक्त कंठा से सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर यादव की ही भांति अन्य चिकित्सक भी यदि इस तरह के सेवा कार्य में आगे आए तो बड़ी संख्या में जन्मजात मुखबधिर बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के साथ प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से बढ़ाए गए इस कदम से बच्चों के माता पिता पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राजेश यादव ने कहा, जो बच्चे बिना शोर मचा रहे थे क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? स्कूल पढ़ते हो? प्रैक्टिस कराओगे? भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत की परिकल्पना समय से नहीं पहुंचते तो हम आज गर्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा विश्व करोड़ों भारतीयों के आस्था का केंद्र का मंदिर के बनने का सपना सपना है। आने के पहले के कल उन साक्ष्यों को आज प्रकाशित होकर गर्व से बुलाएंगे बचनेंगे, क्योंकि उन्हें प्रकाशमान किया है स्वयं ईश्वर ने, जो स्वयं परम पूजनीय हैं। और हम सब जिन्हें भगवान राम का पति भी मानते हैं,
जो ना होते मुख्यमंत्री तो हमारा भव्य राम मंदिर सपना सपना रह जाता। अपने खर्चों का पूरा ब्यौरा पूछा मुस्कान शशांक प्रजापति डॉक्टर वैश्य यादव जी तो कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, डॉक्टर सुरेश सिंह और राजेश मुस्कान अशोक जायसवाल भाई साहब सामने सर जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूँ जिनके दिव्यांग कल्याण योजना के अंतर्गत मूक बधिर बच्चों को विकलांगता की श्रेणी से निकलकर सामान्य जीवन जीने का अवसर मिला। बोलने की क्षमता तो सबको समान रूप से दी है, यही कारण है कि कोई बच्चा गूंगा नहीं होता। सिर्फ सुनाई न देने के कारण वह शब्दों का प्रयोग और उच्चारण नहीं सीख पाता है और विकलांगता का अभिशाप झेलने को मजबूर हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए कॉपरी इम्प्लांट एक वरदान से कम नहीं है, परंतु बहुत महंगा होने के कारण यह सामान्य जनमानस की पहुंच से बाहर हो जाता है तथा ज्यादातर बच्चे और उनके परिवार जीवन भर आर्थिक विपन्नता और विकलांगता की दोहरी मार झेलने को विवश हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की कॉपरी इम्प्लांट योजना एक सराहनीय सार्थक प्रयास है। माननीय महाराज जी से मेरा कई वर्षों से पुराना परिचय है और मैंने उनको हमेशा विकलांगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील पाया। मूक बधिरता दूर करने के प्रयासों में मुझे उनका न केवल प्रोत्साहन अपितु हर संभव सहयोग मिला है। जिसने ये आज का समारोह 150 से अधिक कॉम्पलियर इम्प्लांट की सर्जरी को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ऐसे एक सफलतम ईएनटी सर्जन डॉक्टर राजेश यादव जी प्रख्यात
कैंसर सर्जन और गोरखनाथ चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्याम सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सकगण, राजदीप ENT हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी चिकित्सक और इस हॉस्पिटल परिवार से जुड़े हुए सदस्यगण, सभी बच्चे जिनका यहाँ पर सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद आज उनके चेहरे को हम हंसते खेलते हुए देख रहे हैं, उनके अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ पर अंशिका जायसवाल को बोलते हुए देखा है और वह संभवतः पहली ऐसी बालिका है जिसका कॉम्प्लियर इम्प्लांट का सफलतापूर्वक सर्जरी होने के उपरांत हाई स्कूल की परीक्षा उसने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर किया है और आज हमारे सामने बैठी है। उसने अभी उद्बोधन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह विज्ञान का चमत्कार तो है ही, लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्त्वपुरुषः, यानी कोई अयोग्य नहीं है लेकिन कोई एक योजक तो मिलना चाहिए और उस योजक की भूमिका निभाई है डॉक्टर राजेश यादव जी ने, जिन्होंने इन 150 परिवारों के चेहरे पर इस खुशी को लाने में सफलता प्राप्त की और हजारों उन परिवारों के सामने एक नया प्रकाश प्रस्तुत किया है कि नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, सब संभव है। थोड़ा आप भी प्रयास करिए, थोड़ा हम भी प्रयास करें और शासन की योजना है, इस योजना के साथ हम जोड़ेंगे तो हर बच्चे को इस दिव्यांगता से मुक्त किया जा सकता है। कोई बच्चा मूक बधिर होता क्यों है, जब सुनाई नहीं देगा तो बोल भी नहीं पाएगा। और मुझे याद है आज से लगभग 12-15 वर्ष पहले इस हॉस्पिटल में मैं आया था, उस समय डॉक्टर YC यादव जी ने और श्री राजेश यादव जी ने मुझे यहाँ बुलाया था। उस जांच की मशीन को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, जिसके माध्यम से एक अबोध बच्चे पर ये पता लगता है कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से बोल नहीं पाएगा, तो उस मशीन को यहाँ पर 12-15 वर्ष पहले स्थापित किया गया। और अभी एक उतार चढ़ाव के बावजूद, क्योंकि जिस निष्ठा के साथ, जिस तन्मयता के साथ कर्म ही पूजा है, इस भाव के साथ से राजेश यादव जी ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ईश्वर भी उनकी अपनी परीक्षा ले रहा था। एक समय हम सभी विचलित थे लेकिन उन्होंने स्वयं के अपने उपचार को भी सफलतापूर्वक किया और साथ साथ 150 परिवारों के चेहरे पर खुशहाली भाई है। आज देखो ये सभी बच्चे कितनी खुशी के साथ देखते हैं। और वास्तव में जीवन की यही सार्थकता है, अगर हम अपने कार्यों से, अपने स्किल से किसी के चेहरे पर खुशहाली ला दें तो जीवन की इससे बड़ी सार्थकता दूसरी नहीं हो सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, कुछ जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अंशिका जायसवाल को आपने देखा होगा, जब बालिका यहाँ पर बोल रही है, कोई बोल ही नहीं सकता कि वह कभी, यानी जन्म से वो बच्ची मुंह बगिर रही हो, लेकिन आज एक सामान्य नागरिक की तरह वह व्यवहार कर रही है और सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए
इससे अच्छी खुशहाली की दूसरी बात क्यों हो सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा डॉक्टर राजेश यादव जी को और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और शासन की योजनाओं से इन परिवारों को जोड़ा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही कम आय वर्ग के हैं, जो बहुत लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार की सर्जरी बहुत कठिन चुनौती होती है। लेकिन आज भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय इन सब कार्यक्रमों को पूरी मदद देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन वह राह उन तक उनको बताने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए, जिस व्यक्ति ने अक्सर ज्ञान न सीखा हो, जिसने अपने गांव और कस्बे के बाहर की दुनिया न देखी हो, तो लखनऊ और दिल्ली तक कैसे पहुंच पाएगा, शासन के कार्यालयों की जटिलता को कैसे अनुभव कर पाएगा, और उसमें जब कोई योग्य योजक मिलता है तो वह न केवल उन कार्यक्रमों के साथ उन्हें जोड़ता है, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ दे करके उन परिवारों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करता है। और आज यही कार्य डॉक्टर राजेश यादव जी ने यहाँ पर किया है, तो सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं उनको और उनकी पूरी टीम को, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम किए हैं, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, दिव्यांग जन कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश का और भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आयोजित करता है। हम लोग प्रदेश के अंदर लगभग 10 लाख दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ देते हैं और पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने के साथ ही उन्हें हर महीने 500 रुपए की पेंशन देने के साथ ही उनके आगे के कार्यक्रमों के साथ साथ अब तो शासन की विभिन्न नौकरियों में भी दिव्यांग जनों को आरक्षण का प्रतिशत 4% से अधिक कर दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी करते हुए उनको हरेक स्तर पर यह सुविधा प्रदान की जा रही है। कुछ रोगियों को 2500 रुपए महीने पेंशन की सुविधा शासन दे रही है और उन सभी को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित भी कर रहे हैं कि कोई भी इससे वंचित न रहने पाए। और मुझे लगता है कि ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज उन लोगों को इसके साथ जोड़े और अधिक से अधिक लाभ उन लोगों को देने का प्रयास करे। अगर एक डॉक्टर राजेश यादव इतना अच्छा कार्यक्रम अपने एक हॉस्पिटल के माध्यम से कर सकते हैं, मुझे लगता है पूरा चिकित्सक समुदाय अगर एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े। देखिए, हर कार्य सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, निजी क्षेत्र को धर्मार्थ क्षेत्र को इसके साथ जुड़ना होगा और सभी लोग अगर इसके साथ जुड़ करके एक टीम भावना के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, इसके बहुत बेहतरीन परिणाम सामने आ सकते हैं और उस बेहतरीन परिणाम के लिए मुझे लगता है कि हम सबको तैयार होना होगा। डॉक्टर राजेश यादव जी ने एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि अपने हॉस्पिटल और अपने साथ की पूरी टीम को जोड़ते हुए उन गरीबों को शासन की योजना से जोड़ते हुए और फिर उन लोगों को इन पूरी सुविधा का लाभ देते हुए अभी बच्चे थोड़ी भी स्पीच थेरेपी का इनका अभ्यास करा दिया जाए तो अंशिका जायसवाल की तरह ये सभी बच्चे भी बहुत अच्छे सामान्य नागरिकों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे और उन लोगों के माँ बाप के लिए सबसे अच्छी खुशी होगी जिस दिन वे सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार और बातचीत करते हुए अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं और मैं चाहूंगा कि उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचना ही चाहिए, हर हाल में उन्हें पहुंचाया जाना चाहिए और उन लोगों को तक पहुंचाने के लिए चाहे वो मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, पहले हम लोग सामान्य ट्राइसाइकिल देते थे लेकिन अब तो मोटराइज्ड व्हील चेयर और ट्राइसाइकिल भी उन बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें वे स्वयं भी उनका चलना फिरना भी आसान हो सकता है और दिव्यांग जन उसके साथ बैठ करके स्वयं भी अपना छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शासन की योजनाओं को जोड़ने के लिए समाज का हर व्यक्ति अगर खड़ा होकर के सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ेगा तो निश्चित इसका लाभ
सर्वत्र देखने को प्राप्त होगा। एक बार 150 परिवारों को आज यहाँ पर ये खुशी का दिन डॉक्टर राजेश यादव जी के माध्यम से देखने को प्राप्त हुआ है। उन सब के सुखद और दीर्घ जीवन की कामना मैं करता हूँ। डॉक्टर राजेश यादव और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं को, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के हर एक पीड़ित व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने का कार्य राजकीय PNP हॉस्पिटल करता रहेगा। एक बार फिर से आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आदरणीय बाजी यादव जी से डॉक्टर बाजी यादव जी से अनुरोध करेंगे। आदित्यनाथ ने इस कर्म भूमि को रचना की, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप और भगत करें और इस पूरे आपका अशब पूरे देश में गुजरे, कहीं दुनिया में रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए भी निर्देशों पर हम खड़े उठने की कोशिश करेंगे। आशा है आप जैसे साथ ही मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने उपस्थित जो है दिव्यांग जन अधिकारी जो हमने सहयोग किए हैं, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे डॉक्टरगण, और सबसे ज्यादा तो हम आप बच्चों के आभारी हैं, उनके अभिभावक के आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए और 2 मिनट के समय में, 2 दिन के समय में आप लोग इतने लोग उपस्थित हुए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो इस तरह के आदमी से मैं अपने संस्था के ये जानता हूँ कि बिना सहयोग से कार्य नहीं हो जाता। हमारा आर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पर स्पीच थेरेपी आर्डियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट 5 काम करते हैं, और आप तो जानते हैं कि बच्चा पैदा होते बोलता नहीं, नाक्रिया इम्प्लांट फॉरन होने के बाद बोलेगा नहीं, तो उसको तो 2 साल तक बोलना सिखाते हैं बच्चे, वही चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं आप अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि आप सहायता करें। बन गया चलो हो गया एक्चुअली राजदीप PNT हॉस्पिटल ने पूर्वांचल में गूंगे बहरे बच्चों के लिए जो कॉकले इम्प्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है, उसमें 150 सर्जरी कंप्लीट किए हैं, और जिसमें भारत सरकार की ADP स्कीम और UP सरकार का दिव्यांगजन जो है उसने हम लोग को बहुत हेल्प की है इसमें, क्योंकि इतना महंगा इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है, नहीं बोलूँ नहीं, और उसमें करीबन 6 से 6.5 लाख का खर्चा होता है, लेकिन सरकार की तरफ से उन गरीब बच्चों को जो इनके लिए खाना भी एक टाइम का ठीक से नसीब नहीं हो पाता, अगर सरकार उनकी इतनी सहायता कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हम सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं इस चीज़ के लिए। सर एक चीज़ आता है कि बच्चों को चिन्हित करना, इसमें बच्चों को चिन्हित किस तरह आप किए? इसमें बच्चों को होता है कि बच्चों की कुछ जाँचें होती हैं, माँ बाप पहले खुद कहते हैं कि बच्चा हमारा सुनता नहीं है, बच्चा बोल नहीं रहा है, या बच्चा देर में चीज़ें हो रही हैं, तो एक इंडिकेशन होता है, फिर कुछ जांचें बेरा ASSR सुनाई देने की और भी जांचें होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे में सुनाई देने की क्षमता कितनी है, और अगर 80% से भी ज़्यादा बच्चे में क्षमता कम है तो उस बच्चे को जब तक हम एड या उसको सहारा नहीं देंगे, बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, तो कॉकले इम्प्लांट उन्हीं बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे 80 से 90% जिनकी सुनाई देने में क्षमता कमी आती है। तो कितना समय लगाएंगे? देखिए ऑपरेशन तो अलग चीज़ है, ऑपरेशन इसको आप ऐसे समझेंगे कि मकान बनता है, तो ऑपरेशन एक प्रोसीजर है, और कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार आवाज़ सुनता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन ऑपरेशन के बाद हम इसको स्विच ऑन करते हैं वो बच्चे का पहला दिन आवाज़ सुनने का होता है माँ के पेट के बाद से, तो
कोई भी बच्चा बोलने सुनने वाली चीज़ के लिए कम से कम बच्चे को जो है साल भर का समय चाहिए होता है, डेढ़ साल का बच्चा उस हिसाब से बोलता है। तो स्पीच थेरेपी अगर बच्चे की ठीक से चलती है तो साल भर बाद से हमको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, और जिन बच्चों का ऑपरेशन 2 साल से 2.5 साल के अंदर हो जाता है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बोलते हैं।